एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। जैसा ही हम सो करके उठे, अरे भैया मेरे खेसारी लाल यादव जी का एक और गाना आ गया है। बात है खेसारी लाल यादव जी का गाना हमको रिव्यू करना पड़ेगा। जैसा लेट रिव्यू कर रहा हूँ लेकिन परफेक्ट रिव्यू करूंगा। खेसारी लाल यादव जी का गाना है, इस गाने में कुछ नया होना चाहिए जो कि इस गाने में नया हुआ है। क्या नया हुआ है वो भी आज आप लोगों को बताने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है? कर दीजिए भाई, कर दीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो मजा नहीं आने वाला है। खैर, आज हम बात करने वाले खेसारी लाल यादव जी का नया जो गाना आया है, गाने का नाम है चुनमुनिया। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही बेहतरीन टाइटल है, और सबसे बेहतरीन ये है कि इस गाने में माही मनीषा ऑर्केस्ट्रा वाली जो डांसर है वो इस गाने में एज ए लीड रोल काम कर रही है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है माही, लेकिन मनीषा का बाल पूरी तरीके से बुढ़ी हो टू, मतलब बुढ़ी टाइप का लग रही है पूरी। यार मेकअप मैन इतना हाई बजट का आप गाना लॉन्च कर रहे हैं तो मेकअप मैन इस चीज को देखना भूल गए थे कि इनके बाल जो है पूरी तरीके से व्हाइट हो गया है हमारे तरह। यार ये तो गलत बात है, ये सब चीजों पे जरूरी है ध्यान देना, क्योंकि ये छोटा छोटा चीज आप लोगों के लिए मायने रखता है। इस गाने का जो मेन बोल है, इस गाने में जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया है, जो डायरेक्शन दिया गया है, बताने वाला हूँ आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि इस गाने का जो वीडियो क्वालिटी है भाई मेरे, दमदार वीडियो क्वालिटी है। पता नहीं खेसारी लाल यादव जी कौन से कैमरा से रिकॉर्ड करवाते हैं, जो पिक्चर क्वालिटी होता है एकदम से लाजवाब होता है। खेसारी लाल यादव एकदम से नए अवतार में दिख रहे हैं। खेसारी लाल यादव जी का जो लुक है भाई मेरे, एकदम से डैचिंग टाइप का लुक है। जैसे बात है खेसारी लाल यादव है, हर चीज में अव्वल है, इसमें कोई डाउट नहीं। सिंगिंग के मामले में भी परफेक्ट है, एक्टिंग के मामले में भी परफेक्ट है, डांसिंग के मामले में भी परफेक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह कि दरिया दिली हम जैसे लोग को सपोर्ट करने वाले ये इकलौते खेसारी लाल यादव जी हैं, जो नहीं जो कि हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को भी सपोर्ट करते हैं। ये सब जब छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हैं, इनके लिए हमें भी कुछ अच्छी बात करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, अच्छी बात तभी करेंगे जब अच्छा गाना गाएंगे। हम पक्षपात करने वाले में से नहीं है, जो सच होगा वो सच आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, अगर गलत होगा वो गलत भी दिखाएंगे। सपोर्ट करिए अथवा ना करिए, लेकिन बुराई करे तो क्या करें खेसारी लाल यादव जी, किस चीज में कमी है? गाना A1 है, टॉप क्लास का है, पिक्चर क्वालिटी जबरदस्त है, डांसिंग इसमें जो कोरस लोग जिस तरह से डांस किए भाई मेरे, फाड़ कर रख दिए हैं। बस सिर्फ कमी जानते क्या चीज में है, कमी सिर्फ माही मनीषा में है। माही मनीषा में कमी क्या है वो आप लोगों को बताने वाले हैं लास्ट में, लेकिन प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माही मनीषा खूबसूरत लग रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके से ऑर्केस्ट्रा में डांस स्टेप जो इन दोनों बहनों का है, जिस तरीके से डांस परफॉर्मेंस करती है, जिस तरीके से एक साथ मिला करके डांस करती है, वो इस गाने में नहीं दिख रहा है। इन लोगों का जो डांस स्टेप है बहुत ही अलग है, मिसमैच एकदम से हो रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है कि ये लोग किस तरीके से डांस कर रहे हैं। तो अगर आप लोग देखिएगा गौर से तो आपको लगेगा कि नहीं ये अलग कर रही है और ये अलग। खैर ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि खेसारी लाल यादव जी का गाना है तो गाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। गाने में आप लोगों को बता दूं कि जो गाने का जो म्यूजिक है वो एकदम से लाजवाब है, म्यूजिक की वजह से ये गाना चल रहा है। दूसरा, खेसारी लाल यादव जी की वजह से ये गाना चल रहा है, और जितने भी फैंस फॉलोइंग है माही मनीषा के, वो तमाम लोगों की वजह से ये गाना चल रहा है। तभी तो 7 घंटा में 1 मिलियन क्रॉस कर जाना भाई मेरे खेसारी लाल ही कर सकते हैं। मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, जो सच है वो सच बोलूंगा, जो गलत है वो गलत बोलूंगा। इस गाने में बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च किया गया है, कोरस पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, कोरियोग्राफर है वो एक एक स्टेप को बारीकी से निभाए है, डायरेक्टर भी जबरदस्त तरीके का है। इसमें कैमरामैन का भाई अहम रोल है, क्योंकि कैमरा बहुत ही हैवी कैमरा है और उसको ऑपरेट करना और उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना वो इस वीडियो में दिख रहा है। बात दूसरा है कि एक ही जगह पे ये गाना शूट किया गया है, क्योंकि भाई 50 और 60 लोग रहेंगे एक साथ, या से दूसरे एरिया में, दूसरे एरिया से तीसरे एरिया में ले जाना मुश्किल होता है, तो इस वजह से एक ही जगह पे ये शूट किया गया है। लेकिन बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है, पिक्चर क्वालिटी जबरदस्त है, इसी वजह से ये गाने में जितनी भी कमी है वो एकदम से छिप जाता है। ओवरऑल बस इस गाने का कंक्लूजन मैं देने वाला हूँ। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कि इस गाने का जो रेटिंग्स है 3.5 रेटिंग्स होने वाला है, 4 स्टार से बच गया, क्योंकि 3 स्टार इस 3.5 इसलिए दे रहा हूँ कि इस गाने में जो माही मनीषा जिस तरीके से डांस कर रही है, उनका डांस स्टेप बहुत ही खराब है, बेकार है, बेवहियात है। और सबसे बड़ी बात ये, खेसारी लाल यादव जी आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इतने बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े एक्ट्रेस, बड़े बड़े हीरोइन को छोड़ करके एक ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियों को आप अपने एज ए लीड रोल के तौर पे
चांस दीजिएगा तो बताइए इन तमाम लोगों को भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हम जैसे छोटे लोग जब ऑर्केस्ट्रा करवाने का मन करेगा, अगर हमको माही मनीषा या काजल राज को अपने अपने एरिया में डांस करवाना होगा ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से, तो क्या ये आ पाएंगी? इन लोगों का भाव बढ़ जाएगा, इन लोगों का भाव बढ़ जाएगा और फिर हम लोग इन तमाम लोगों को बुला नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है खेसारी लाल यादव जी, जो एक्ट्रेस है उन्हीं को आप अपने गाने में चांस दीजिए। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर आप लोग भोजपुरिया लवर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहते मुझे जय हिंद।